हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताने वाली हूँ टॉपिक सिटिंग अरेंजमेंट। ओके, जैसा कि आपको स्लाइड पे शो हो रहा है, यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और इसके सारे क्वेश्चन जितने भी पॉसिबल होते हैं हर डेट में आपको करवाऊँगी। ओके, तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है टेबल बना हुआ है सिटिंग अरेंजमेंट का, यहाँ पर कुछ चेयर्स भी लगी हुई हैं। ओके, और इसके आसपास आपका रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक है और इसमें क्वेश्चंस आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंक एग्ज़ाम हो या कैंपस रिक्रूटमेंट रिटर्न टेस्ट हो, उसमें भी ये टॉपिक 100% पूछा ही जाता है। ओके, इसके एक से दो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं। और हम आगे बात करते हैं ये कितने टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे मैंने स्लाइड में दिखाया है कि अगर हम देखते हैं कि फर्स्ट टाइप इसका, तो फर्स्ट टाइप होता है रो सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब कि कुछ पर्सन को रो में यहाँ पे सिटिंग कराया जाता है। ओके, और सेकेंड टाइप होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, फिर नेक्स्ट टाइप होता है स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट। अब एक चीज़ और है कि जब आप रो वाइज सिटिंग अरेंजमेंट देखते हैं तो इसमें दो टाइप हो सकते हैं आपसे, एक तो सिंगल रो पूछ सकता है वो, और यहाँ पे डबल रो पूछ सकता है। डबल रो में किस तरह से पूछेगा, आपको बता देगा कि दो रो में पर्सन्स बैठे हैं, वो एक दूसरे के आमने सामने फेस करके बैठे हुए हैं या अपोजिट साइड फेस करके बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसे गाँव में ये सब होता है कि जो खाना खिलाया जाता है वो बैठ कर खिलाया जाता है रो वाइज, तो ऐसी रो बना दी जाती है और पंक्ति में बैठ के खाना खिलाते हैं। तो उसी तरह से इसके क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं कि कुछ पर्सन हैं एक रो में बैठे हैं और उनका फेस साउथ में है, और कुछ पर्सन जो हैं दूसरी रो में बैठे हैं उनका फेस नॉर्थ में है, मतलब आमने सामने फेस करके बैठे हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट टाइप आता है रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट का, इसमें टेबल आपका रेक्टेंगुलर टाइप बता दिया जाता है। स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट लगभग सेम ही होते हैं, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कभी कभी आपको बोल दिया जाता है कि स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में कुछ पर्सन बैठे हैं उनको कॉर्नर में भी बिठा दिया जाता है, या उनका जो बैठने का डायरेक्शन है वो सेंटर साइड भी हो सकता है या आउटसाइड ऑफ सेंटर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में आपको साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप आता है यहाँ पे ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट। ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन भी अभी कुछ एग्जाम्स में आने लगे हैं, जैसे गेट 2022 में भी ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे देखिए, ट्रायंगुलर सिटिंग अरेंजमेंट में भी आपको दोनों तरीके से पूछ सकते हैं, कॉर्नर में भी आपको पूछ सकते हैं कि हाँ कुछ पर्सन कॉर्नर में बैठे हैं या कुछ पैरेलल बैठे हुए हैं या कुछ सेंटर साइड में बैठे हुए हैं, इस तरह से आपसे कुछ क्वेश्चन इसके पूछे जा सकते हैं। अब ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे, पर इन क्वेश्चन को करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन्हें कि 5 गोल्डन रूल हम कह सकते हैं, और इन 5 रूल्स को अगर आपने ध्यान में रख लिया, कंसेप्ट इनके फॉलो कर लिए, तो ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन नहीं है जिसे आप ना कर सको। ओके, तो इसमें सबसे पहला रूल हम देखते हैं, यस, ऑलवेज स्टार्ट द अरेंजमेंट विथ 100% फिक्स इंफॉर्मेशन। 100% फिक्स इंफॉर्मेशन का मतलब है क्वेश्चन को आपको वहाँ से स्टार्ट करना है, पूरा पैराग्राफ दिया होगा आपको क्वेश्चन का, तो आपको क्वेश्चन रीड करना है और उस लाइन से स्टार्ट करना है जहाँ पे फिक्स पोजीशन आपको पता चलती है। जैसे कि अभी हम क्वेश्चन में करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे लेफ्ट या राइट कुछ पर्सन की एक पोजीशन फिक्स कर दी जाती है, तो वहाँ से आप क्वेश्चन को क्रिएट करना, बिल्डअप करना स्टार्ट कर सकते हो। और अगर एक बार आपका अच्छे से पूरा अरेंजमेंट फिक्स या करेक्ट हो गया तो आप उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो करेक्ट कर सकते हो, फिर आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। ओके, तो ये फर्स्ट रूल हुआ। सेकंड रूल है फॉर अ क्लोज्ड फिगर, अगर क्लोज्ड फिगर है चाहे वो सर्कल का हो, स्क्वायर का हो, रेक्टेंगल हो, है ना, या ऑक्टागॉन हो, पेंटागॉन हो, कुछ भी हो सकता है सिटिंग अरेंजमेंट में,
ट्रायंगुलर हो, तो आपको क्या करना है, जब भी अरेंजमेंट करना है अगर इवन नंबर ऑफ पीपल्स हैं तो उनको हमेशा आपको अपोजिट डायरेक्शन में ही बिठाना है, अपोजिट साइड। जैसे मान लीजिए 6 पर्सन है तो उनको कैसे बिठाएंगे, आमने सामने, हम जस्ट अपोजिट। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 हो गए, 3 हो गए, इसके सामने मैंने इसको बिठा दिया, 4, फिर ये हो गया है 5 और ये हो गया 6। तो देखिए यहाँ से ये सब है एक दूसरे के जस्ट अपोजिट बैठे हुए हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको बिठाना है, अगर इवन हुए तो हम अपोजिट बिठा देंगे, और ऑड हुए तो जितने हैं हमारे पास उतनों को तो हम आमने सामने बिठाएंगे, एक अगर बच जाता है मान लीजिए 7 है तो उसको इधर बिठा सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है, ये सेकंड रूल है। आते हैं हम नेक्स्ट रूल पर, अभी देखिए रूल नंबर 3। यहाँ पे क्या करना है आपको, एंड और हु कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं उनको आपको ध्यान से समझना है, और क्या रूल फॉलो होता है वो मैं बता दूँ। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हु वर्ड आता है उसको हमको किस तरह से लेना है, ठीक है। इसमें ये लाइन देखिए दी हुई है, ए इज़ राइट ऑफ बी, हु इज़ लेफ्ट ऑफ सी। तो यहाँ लीजिए सब का जो फेस है सेंटर साइड है, ओके, सभी का फेस कहाँ है, सेंटर साइड है। तो इसका लेफ्ट राइट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, ये दो चीज़ें हैं लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, अपना ही आपको लेफ्ट और राइट लेके चलना है। जैसे ये बी है तो अगर बी का फेस कहाँ है, नॉर्थ में है, तो ये उसका राइट होगा, क्लियर। और यहाँ पर क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो क्या बोला है इस लाइन में, ए इज राइट ऑफ बी, ए जो है बी के जस्ट राइट में है। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, राइट में है बी के, और फिर कॉमा लगा के बोला है हु इज लेफ्ट ऑफ सी। अब यहाँ पे बात किसकी की गई है, बी की, जो बी है हु इज लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में है। तो यहाँ पे देखिए अगर हम सी को देखते हैं, मैं पहले इसको रब कर देती हूँ, अगर हम सी को देखते हैं, ठीक है, सी को देखेंगे अगर हम, तो सी का ये क्या होगा, राइट होगा। सी का फेस किस साइड है, आपके वेस्ट में है। तो अगर हमारा ये राइट है तो ये सी का भी ये राइट होगा, और हमारा ये लेफ्ट है तो सी का भी नीचे वाला साइड हम लेफ्ट में मानेंगे। तो आपको लाइन में दी है बी के बारे में बात की गई है कि हु इज लेफ्ट ऑफ सी, बी क्या है, सी के लेफ्ट में है। तो ये हु से रिलेटेड कंसेप्ट है, और इसी रूल में आपको एंड से रिलेटेड कंसेप्ट भी बताती हूँ कि अगर एंड वर्ड आता है तो आपको किस तरह से उसे लेना है। अब यहाँ पे आपको बोला है, देखिए ये सबके फेस सेंटर साइड है, ओके, यहाँ पे बोला है ए इज राइट ऑफ बी, ए जो है कहाँ है, बी के राइट में। तो यहाँ से बी का ये हुआ राइट और ये हुआ लेफ्ट, क्लियर। बी का फेस किस साइड है, साउथ में है। तो आप इस तरह से चलोगे, इस तरह से आप अपने आप को टर्न करके लेना और देखना कि ये आपका राइट है तो ये बी का भी राइट होगा, और ये आपका लेफ्ट है तो बी का भी लेफ्ट होगा। तो यहाँ से देखिए क्या बोला, ए इज राइट ऑफ बी, ए जो है ए बी के राइट में है एंड इज लेफ्ट ऑफ सी। अब ए के ही बारे में बोला है आपको कि जो ए है वो लेफ्ट ऑफ सी है। तो देखिए यहाँ पर सी का फेस कहाँ है, नॉर्थ में है, तो ये सी का राइट होगा और दिस साइड सी का लेफ्ट होगा। तो ए जो है सी के लेफ्ट में है, क्लियर। तो ये थर्ड रूल था। अब आते हैं हम नेक्स्ट रूल पे। हाँ यस, अब कुछ वर्ड्स ये भी हैं, जैसे लेफ्ट वर्सेस इमीडिएट लेफ्ट, या आपको आता है राइट वर्सेस इमीडिएट राइट, या सेंटर, कुछ भी आ सकता है आपको, ओके, इन बिटवीन। तो ये क्वेश्चन आप करोगे तो पता चलेगा। वैसे मैं इसको बता देती हूँ यहाँ पे कि जैसे आपको गिवन है कि लेफ्ट में अगर मैं बात करती हूँ कि हमने जेड को लिया, तो मैं अगर आपसे पूछती हूँ कि जेड के लेफ्ट में कौन है, तो आप कहेंगे कि ए है, एक्स है और वाई है, और ये इनके फेस मैंने नॉर्थ में मान लिए हैं, ठीक है, नॉर्थ में है फेस। उसी तरह से अगर मैं इमीडिएट लेफ्ट की बात करूँ, इमीडिएट लेफ्ट, ओके, इसकी बात करूँ कि जे के इमीडिएट लेफ्ट एकदम बिल्कुल लेफ्ट में कौन है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि वाई जो है जे के इमीडिएट लेफ्ट में है। उसी तरह से आप राइट का भी कर सकते हो, ठीक है। ये कंसेप्ट था आपका रूल नंबर 4, इसको आपको ध्यान रखना है। नीचे अब हम आते हैं लास्ट रूल पर,
आइडेंटिफाई द लेफ्ट एंड राइट इन गिवन अरेंजमेंट। लेफ्ट और राइट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ये देखिए मैंने आपको लेफ्ट राइट का कंसेप्ट पहले ही बता दिया। आपको अपने हाथों से ही एज्यूम करना है लेफ्ट और राइट किधर होगा, बस डायरेक्शन आपको देखनी है, नॉर्थ में, साउथ में है, ईस्ट में, वेस्ट में, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और एक्स्ट्रा आती है, क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज। आपको पता है कि जो घड़ी की सुई है वो किस डायरेक्शन में रोटेट करती है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ये होती है आपकी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, ओके। आपसे लेफ्ट राइट ना दे के वो क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज भी कभी कभी क्वेश्चन में दे सकता है। और यहाँ पे होता है एंटी क्लॉक वाइज, मतलब जो घड़ी की सुई होती है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब घूमती है उसको एंटी क्लॉक वाइज कहते हैं, ओके। तो ये 5 रूल्स थे जिनको कि आपको ध्यान में रखना है, इससे आपको हर क्वेश्चन बनेगा। तो आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन, वो यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन ने क्या दिया आपको, शिवा, सतीश, अमर एंड प्रवीण आर प्लेइंग कार्ड्स। अब ये 4 पीपल्स हैं, कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, तो आप इसको सर्कुलर भी बना सकते हो, स्क्वायर भी बना सकते हो, एक सर्कल बना के ही प्ले करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बना लिया, सर्कल, ठीक है। यहाँ पे हमको दिया नहीं था कि सर्कल है, बट सर्कुलर है ये, तो क्योंकि जब भी कार्ड्स प्ले करते हैं, कोई गेम प्ले करते हैं, तो एक क्या करते हैं, एक राउंड बना के ही प्ले करेंगे। तो यहाँ से चारों थे। अब मैंने आपको बताया था कि अगर ये इवन नंबर हो तो इनको जस्ट अपोजिट बिठाना है एक दूसरे के, तो मैंने ये बिठा दिया, ठीक है। 4 पर्सन थे, 4 पर्सन को एक दूसरे के सामने बैठा दिया है, ओके। अब उसने क्या क्या बोला है, अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, ओके। तो यहाँ से हमको एक फिक्स इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इससे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। अमर क्या है, इज टू द राइट ऑफ सतीश, तो पहले हम सतीश को यहाँ पे सिट कर देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से पेन चेंज कर लेती हूँ, ये है सतीश, ओके। हाँ, सतीश का ये हुआ राइट, क्लियर, और ये हुआ लेफ्ट। तो अमर कहाँ है, अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, अमर सतीश के राइट में है, तो मैंने यहाँ पे अमर को सिट कर दिया, ठीक है, बैठा दिया है। अब उसके बाद में नेक्स्ट हु वर्ड आया है, ठीक है, यहाँ पे हु वर्ड आया है, हु इज टू द राइट ऑफ शिवा, शिवा, ओके, शिवा, शिवा को मैंने यहाँ पे रखा। और क्या बोला है इसने, जो सतीश है इज टू द राइट ऑफ शिवा, शिवा के राइट में है, तो देखिए शिवा का ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ, तो शिवा के राइट में कौन है, सतीश। अब बचा कौन, एक सिर्फ आपका प्रवीण, तो यहाँ पे मैंने प्रवीण को बिठा दिया है, ओके, ये प्रवीण, और ये हो गया। अब आपसे पूछा है हु इज टू द राइट ऑफ अमर, अमर के राइट में कौन है, ये आपसे पूछा है, तो देखिए ये अमर का राइट हुआ और ये लेफ्ट हुआ, देखिए इनके फेस डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप लेफ्ट और राइट अपने हाथ से ले सकते हो, ठीक है। अमर का फेस कहाँ है, वेस्ट में है, तो ये हमारा राइट तो उसका भी राइट, ये हमारा लेफ्ट तो उसका भी लेफ्ट, क्लियर। तो यहाँ से आपको पूछा था कि जो अमर है उसके राइट में कौन बैठा है, तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा, बैठा है यहाँ से प्रवीण, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ये सर्क्यूलर सिटिंग अरेंजमेंट का था, सिंपल, ओके। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो यहाँ पर देखिए आप क्या दिया है, ए पी आर एक्स एस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, यहाँ पे कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 सिक्स हैं और सिटिंग इन अ रो, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। अब देखिए रो में बैठे हुए हैं तो आपको एक लाइन नहीं बनानी है, हमेशा किसका यूज करना है, आपको एरो का यूज करना है, सिक्स एरो बना लीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6 सिक्स एरो आपने बना दिया। अब जैसे जैसे आपको बोलते हैं उस तरह से आपको उनकी पोजीशन डालनी है। क्या बोला है, ए एंड पी आर एट द एंड्स, अब ए और पी क्या है, एंड में है, तो आप ए यहाँ पर बना दीजिए, पी यहाँ पर बना दीजिए, या हो सकता है ए यहाँ पर हो, पी यहाँ पर हो, क्लियर।
अभी देखिए अभी कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन एंड में बोला था इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो यहाँ से देखिए आर क्या है, सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ए के लेफ्ट में बैठा। अगर हम यहाँ पर ए को लेते हैं तो ए का लेफ्ट यहाँ पे हो नहीं सकता, है ना, ए का लेफ्ट तो है पर उसको हम बिठा नहीं सकते, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, ए कहाँ होगा, यहाँ पे। तो यहाँ से हमें पोजीशन बिल्कुल परफेक्ट पता चल गई है कि ए की पोजीशन क्या है। ओके, तो यहाँ से मैं पेन चेंज करती हूँ, ये है हमारा ए जो कि एंड में है और ये है यहाँ पर पी, और ए के लेफ्ट में किसको बैठने का बोला है, आर को। क्लियर। अब यहाँ पे आगे आपको ये दिया था एस एंड जेड आर इन द सेंटर, एस और जेड सेंटर में है, ठीक है, तो ये कितने थे टोटल, सिक्स थे, तो एस जेड आप इस तरह से ले सकते हो और यहाँ पर भी एस ले सकते हो और इधर भी जेड। अब बचा क्या है, एक्स, एक्स बचा है ओनली एक्स, तो एक्स को मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब आपसे पूछा है हु इज टू द राइट ऑफ पी, पी के राइट में कौन है, क्लियर, पी के राइट में कौन है, देखिए ये पी का राइट है और ये पी का लेफ्ट है, तो यहाँ पे पी के राइट में कौन दिख रहा है, एक्स, ऑप्शन में भी दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन टू कंप्लीट हुआ, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। अभी देखिए यहाँ पर क्या है आपको गिवन कि 11 स्टूडेंट्स आपको हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के आर सिटिंग इन द फर्स्ट लाइन फेसिंग टू द टीचर, एक लाइन में बैठे हुए हैं ये 11 स्टूडेंट्स और इनका फेस कहाँ है, टीचर साइड है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर हैं टीचर, ये है टीचर की पोजिशन और ये 11 स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं सेटअप इनका, ये टोटल 11 स्टूडेंट्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें आपको किस तरह से बनाना है इसको, ठीक है, यहाँ पे दिया आपको डी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज टू द राइट ऑफ सी एट सेकंड प्लेस, तो यहाँ से आपको सेकंड प्लेस आपको कौन सा लेना है ये नहीं पता चलेगा, फिर नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, यहाँ से फिक्स पोजिशन आपको पता नहीं चलेगी, ठीक है। A is second to the right of E who is at one end. ये यहाँ से देखिए A is second to the right of E. E के right से है, ठीक है, A क्या है second right of E. तो आप E को हो सकता है यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ पर भी, बट यहाँ पे क्या बोला है, वो वर्ड दिया है और ई के बारे में बात की गई है, तो ई तो एक एंड पर है और उसके राइट से कौन है, सेकंड पोजीशन पर ए बैठा है, तो आपको यहाँ से थर्ड से स्टार्ट करना है, तो ई को जब हम यहाँ पर प्लेस करते हैं, ओके, यहाँ पे जब हम ई को प्लेस करेंगे तो इससे इसके राइट ये होगा और यहाँ से सेकेंड पोजिशन ये होगी हमारी ए की, ओके, क्लियर। मैं पेन चेंज कर लेती हूँ यहाँ से ताकि अच्छे शो हो आपको, तो ये होगी सेकंड पोजीशन ए की, क्लियर। तो ये ई हमारा यहाँ पर है और इसके राइट में कौन है, ए है। तो अब मैं बताती हूँ नेक्स्ट, जे इज़ द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए, अब जो जे है ए का, ए एंड बी का, ओके, ए एंड बी का नियरेस्ट नेबर है एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ जी एट थर्ड प्लेस, ओके, तो जे जो है, जे के बारे में बात की गई है, ए और बी का नियरेस्ट नेबर है, तो अगर हम जे को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो बी तो आएगा नहीं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे हम बी को यहाँ पे प्लेस करते हैं और देन जे को यहाँ पे प्लेस करते हैं, तो यहाँ से नियरेस्ट नेबर जे बन गया। और जे की बात करें तो इसने बोला है कि ये क्या है, जी के लेफ्ट से किस पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर है, जे की बात की गई है यहाँ पर, ओके, एंड वर्ड आया है ये वाला एंड वर्ड, ठीक है, ये वाला तो ए और बी के लिए था, तो यहाँ से आपको देखना है कि जी अगर हम यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, जी यहाँ पे रखते हैं तो इससे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड पोजीशन पर जे है, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको बोला है एच, एच जो है इज नेक्स्ट टू डी, जो एच है वो क्या है, डी के नेक्स्ट है टू द लेफ्ट, लेफ्ट में, एंड
इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ आई, और आई के थर्ड प्लेस पर है। तो सबसे पहले हम आते हैं सेकेंड लाइन पर, डी के बारे में बोला है, डी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ इज टू द राइट ऑफ सी एट सेकेंड प्लेस। तो यहाँ से हम अगर डी को नहीं प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं प्लेस, है ना, यहाँ पर भी नहीं कर सकते हैं, हमको प्लेस कहाँ करनी होगी, यहाँ पे प्लेस करनी होगी डी को। और फिर उसने बोला है यहाँ से कि जो एच है इज टू द नेक्स्ट टू डी, ठीक है, एच जो है डी के नेक्स्ट में है एंड टू द लेफ्ट, और लेफ्ट में है, तो एच को आपको यहाँ पे प्लेस करना होगा, क्लियर। तो और भी कहा है आपको एंड, एंड बोला है मतलब एच के बारे में बात की गई है, एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ आई, आई से क्या है थर्ड प्लेस पर है, तो एच जो है राइट प्लेस पे है, तो आप देखिए वन टू थर्ड, थर्ड प्लेस यहाँ आ रहा, तो आप यहाँ पर आई को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारी कितनी पोजीशन यहाँ पे है, खाली कितने प्लेसेस है, वन टू थ्री, थ्री प्लेसेस हैं। और यहाँ से देखिए अब एफ के बारे में भी यहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एफ से लेफ्ट कौन है डी, तो एफ को हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, अगर डी को हमने प्लेस कर दिया है तो। और अब सी का भी बोला है, ये डी के बारे में बात की गई है यहाँ से, है ना, यस। तो डी इज टू द राइट ऑफ सी एट सेकेंड प्लेस, तो ये डी है और डी से सेकेंड प्लेस क्या यहाँ है राइट में वन टू, तो यहाँ पे हम प्लेस कर सकते हैं किसको, सी को। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा, और लास्ट में क्या बचा है आपका वर्ड के बचा हुआ है, तो के को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। तो कुछ इस तरह से अरेंजमेंट होगा, क्लियर। तो अब आपसे पूछा है हु इज जस्ट इन द मिडल, मिडल में कौन है, तो यहाँ से देखिए अगर 11 है तो यहाँ से आप 5 छोड़ देंगे और यहाँ से भी 5 छोड़ देंगे, तो मिडल में आपको कौन मिल जाएगा, आई। तो यहाँ से मैं ये बैंक चेंज करती हूँ और ये आई जो है आपका मिडल में मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाता है। देखिए इसका ये इस तरह से है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, यहाँ पे मिडिल में आपको कौन शो हो रहा है, आई जो है मिडिल में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये भी है आपका सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट का है, इसमें क्या है, सिक्स बॉयज आर सिटिंग इन अ सर्कल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसमें साफ साफ कहा गया है कि जो सिक्स बॉयज हैं वो किस में बैठे हैं, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है उनका, और सेंटर साइड उनका फेस है, ये सेंटर है तो सेंटर में फेस है। तो जो मैंने आपको रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग आपको सबको इन सिक्स पर्सन को, सिक्स बॉयज़ को आपको एक दूसरे के जस्ट अपोजिट बिठाना होगा, तो ये 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6, ओके, ये मैंने बिठा दिया है। अब यहाँ से आप देखते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हम रीड करते जाते हैं कैसे किसको रखना है हमें। राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन, तो यहाँ से ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, मोहन सबसे पहले यहाँ पे हम सेटअप कर देते हैं, मोहन का, मोहन है और राजीव कहाँ बैठा है, सिट टू द राइट ऑफ मोहन, तो मोहन का राइट ये है और लेफ्ट ये है, ओके, मोहन का राइट ये है और लेफ्ट ये है, तो यहाँ पे क्या है, राजीव को हमने बिठा दिया है, ओके। बाद में बट ही इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय, राजीव जो है विजय के जस्ट लेफ्ट में नहीं बैठा है, तो विजय आपका यहाँ पे आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, ठीक है, तो मैं विजय को यहाँ पे बना देती हूँ, ओके, बट यहाँ पे नहीं आ सकता है विजय, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय, अब सुरेश जो है बाबू और विजय के बीच में बैठा है, तो यहाँ से जो आपका सुरेश है यहाँ पर बैठेगा सुरेश और यहाँ पे आएगा बाबू, ओके। तो यहाँ पे विजय आ गया है और अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय, तो विजय का देखिए ये राइट है और ये लेफ्ट, तो विजय के लेफ्ट में किसको बैठने का बोला है, अजय को, तो हम यहाँ पे अजय को सिट करा सकते हैं, ओके, यहाँ पे बिठा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमने अरेंजमेंट किया है, ओके। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं, उसने क्वेश्चन पूछा है हु इज
सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन, तो मोहन ये है, मोहन के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ दिख रहा है आपको? बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से बना है। इसका आंसर क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मैं बताती हूँ आपको। सिक्स फ्रेंड्स पी क्यू आर एस टी एंड यू आर सिटिंग, अब इसमें सिक्स हैं, ठीक है, और इसने क्या बोला है, सिटिंग अराउंड द हेक्सागोनल टेबल, हेक्सागोनल टेबल होती है उसके आसपास बैठे हैं ये। ये देखिए इस तरह से मैंने टेबल बना दी हेक्सागोनल। ओके, इसके सिक्स कॉर्नर्स होंगे और इन पर ये बैठे हुए हैं, और एट वन कॉर्नर आर फेसिंग द सेंटर, सभी एक एक कॉर्नर पर बैठे हुए हैं। ओके, और सबका फेस किस साइड है, सेंटर साइड में है सभी का फेस। ओके, ये इस तरह से। आगे क्या दिया है आपको, यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेती हूँ। पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। पी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ यू, तो आप यू यहाँ पे अगर बनाते हैं तो U का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ्ट। तो P क्या है, इससे सेकेंड पोजीशन पर है, कहाँ पर, लेफ्ट में। तो आप यहाँ से 1 2 P को आप यहाँ पर बिठा सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में दिया है Q इज नेबर ऑफ R एंड S, यहाँ पे आप Q को ले सकते हो, Q इज द नेबर ऑफ R एंड, और यहाँ पे आप R ले सकते हो, यहाँ पे S ले सकते हो। और आगे क्या बोला है उसने कि T इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ S, जो T है S के लेफ्ट से सेकेंड में है। तो देखिए ये S का लेफ्ट है और ये S का राइट है, तो S के लेफ्ट से ये फर्स्ट हुआ और ये सेकेंड, तो यहाँ पर कौन है, T। तो इस तरह से हमने सबकी पोजीशन फिक्स कर दी है। ठीक है, तो यहाँ से हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट कौन बैठा हुआ है यहाँ पे, तो देख लीजिए आप पी के अपोजिट कौन है यहाँ पे, एस। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो डी है, एस, ये करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही सेकेंड क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, हु इज द फोर्थ पर्सन टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, ठीक है, क्यू से लेफ्ट में फोर्थ पर्सन कौन है, तो ये क्यू है, ये क्यू का है राइट और ये क्यू का है लेफ्ट, तो लेफ्ट से फोर्थ पर्सन कौन है, तो यहाँ से देखिए लेफ्ट से 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, पी। ओके, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वैसे ही विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नेबर ऑफ पी, पी का नेबर कौन है, पी के नेबर कौन है, टी एंड आर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th है लास्ट, विच वन इज सिटिंग अपोजिट टू टी, टी के जस्ट अपोजिट कौन है, तो देखिए यहाँ से टी के अपोजिट कौन है, क्यू। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने लास्ट आपको बता दिया, ये इसको इस तरह से है, तो यहाँ पे इसका डायग्राम बना हुआ है, तो यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ओके, इनके ऑप्शन मैं टिक कर देती हूँ यहाँ पर, देखिए फर्स्ट का आ जाएगा आपका एस, सेकेंड का पी, थर्ड का टी एंड आर, और फोर्थ का है यहाँ पे बी ऑप्शन। क्लियर, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया आपको सिटिंग अरेंजमेंट के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होते थे। टॉपिक अगला करवाऊंगी, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है आपने पहले से तो और भी डिवाइसेस से आप सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।